वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी जो है वो मीन्स अबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइंडिंग्स दैट आर इन एग्रीमेंट विथ थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल वैल्यूज। थ्योरेटिकल एंड कंसेप्चुअल वैल्यूज के लिए तो मैं आपसे आई ऑलवेज आस्क यू कि जी आपको लिटरेचर यूज करना है, आपको पास्ट स्टडीज देखनी है। सो पास्ट स्टडीज जिनको आप देख रहे होते हैं, आप यू आर इंक्लूडिंग लिटरेचर रिव्यू, यू आर इंक्लूडिंग ए थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। तो यू आर एक्चुअली सेइंग कि जो पास्ट रिसर्चर्स ने काम किया, आई विल बी मूविंग अ स्टेप अहेड ऑफ ऑल ऑफ देम, और मेरी स्टडी जो है वो थ्योरेटिकली एंड कॉन्सेप्चुअली इट इज़ करेक्ट। ठीक है, पास्ट रिसर्चेज अगर शो करी हैं, या उसने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इफ पास्ट रिसर्चेज शो कि 32% स्टूडेंट्स चीट इन एग्जाम्स, और आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया फॉर मेजरिंग चीटिंग बाय स्टूडेंट्स इन क्लासरूम्स और एग्जाम, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका नया इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली शोइंग कि यस चीटिंग रेशियो इज 32%, तो इसका मतलब ये है कि क्योंकि पास्ट रिसर्चेज भी 32% शो कर रही हैं और न्यू रिसर्च इज ऑल्सो शोइंग और योर रिसर्च इज ऑल्सो शोइंग कि 32% स्टूडेंट्स आर चीटिंग, इसका मतलब है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपने बनाया था, योर इंस्ट्रूमेंट इज गुड। ठीक है, मे बी जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया था, मैंने आपको बताया था कि वो जो आपके टेबल में जहाँ पे टूल लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली योर इंस्ट्रूमेंट। टूल लिखा हुआ है सर्वे क्वेश्चनर, या आपने कहा कि आपने सर्वे किया, सो बेसिकली दैट वॉज योर टूल फॉर कलेक्टिंग डेटा। और कॉन्सेप्चुअली एंड थ्योरेटिकली पास्ट स्टडीज के साथ आपका न्यू डेटा कोइंसाइड कर रहा है, सो इट मीन्स योर स्टडी इज वैलिड। दूसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि वैलिडिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट जो है आप दो तरीकों से डिटरमिन करते हैं, या तो आप कहेंगे एम्पिरिकल वैलिडेशन और दूसरा आप कहेंगे थ्योरेटिकल वैलिडेशन। ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड है, एम्पिरिकल वैलिडेशन एंड थ्योरेटिकल वैलिडेशन। ठीक है, सो थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल जो वैलिडेशन है वो आपका थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट के थ्रू डिटरमिन होता है, विच मीन्स कि यू हैव रिव्यूड लिटरेचर, यू हैव प्रिपेयर्ड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, और आपको लग रहा है कि आपकी स्टडी पास्ट रिसर्चेस के साथ जो है उनसे डिनाई नहीं कर रही, बट इट इज़ इन लाइन विद दोस्त। तो आप कह रहे हैं कि जी मेरी स्टडी इज़ वैलिड एंड यू हैव थ्योरेटिकली कॉन्ट्रीब्यूटेड थ्रू योर स्टडी। जितनी भी स्टडीज़ आप प्रपोज करते हैं उनका ऑब्जेक्टिव होता है थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्पिरिकल वैलिडेशन का मतलब ये है कि फॉर इंस्टेंस आपसे मैंने कहा था कि देर इज़ अ मैथड जिसमें आप यू गो फॉर अ फोकस ग्रुप, यू गो फॉर इंटरव्यूज, यू गो यू यूज सर्वे फॉर डेटा कलेक्शन एक्सेट्रा, ये सारे, या और यू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट। फॉर इंस्टेंस आपने एक रूम में 20 बच्चे बिठाए और उनको टॉम एंड जेरी दिखाना शुरू कर दिया। आफ्टर वॉचिंग टॉम एंड जेरी इफ यू फील के चिल्ड्रन वर एग्रेसिव, यू नो दे वर बिहेविंग एग्रेसिवली, तो आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉबली प्रूव्स के टॉम एंड जेरी मेक्स किड्स एग्रेसिव, क्योंकि टॉम एंड जेरी में ठीक ठाक एग्रेशन मौजूद है। तो आप ये कह रहे हैं कि माई इम्पेरिकल डेटा इज शोइंग के चिल्ड्रन बिहेव्ड एग्रेसिवली आफ्टर वॉचिंग टॉम एंड जेरी, या कोई और फॉर इंस्टेंस आफ्टर प्लेइंग कॉल ऑफ ड्यूटी जो कि बहुत एग्रेसिव गेम है। तो आप कह रहे हैं कि जी मैंने एम्पिरिकली वैलिडेट किया, विच मीन्स कि आपका ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस या एक्सपेरिमेंट इज शोइंग के योर स्टडी इज वैलिड। समझ आई आपको अहमद नबी? आपको यस समझ मैम आया कि दो तरह की वैलिडेशन है, आप एम्पिरिकल वैलिडेशन कर रहे हैं या थ्योरेटिकल वैलिडेशन कर रहे हैं? ठीक है, मेरे ख्याल में अपने प्रपोजल में थ्योरेटिकल वैलिडेशन को ही रखूंगा और कंटेंट वैलिडिटी या कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के बारे में ही बात करूंगा। हाँ ठीक है, दैट दैट लुक्स गुड। ठीक है, अब एम्पिरिकल वैलिडेशन के लिए वो ये कह रहा है कि एम्पिरिकल वैलिडेशन टेस्ट जो जो है एम्पिरिकल वैलिडिटी जो है वो टेस्ट प्रैग्मेटिक और क्राइटेरियन वैलिडिटी। ठीक है, इट एक्चुअली मीन्स कि जो आपके रिजल्ट्स हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि फॉर इंस्टेंस इस केस में शायद इसका रिसर्च क्वेश्चन ये था
कि स्टूडेंट्स इन्वॉल्व इन स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज़ डू बेटर इन देयर एग्जाम्स, या स्टूडेंट्स हु आर इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ परफॉर्म बेटर इन कोर्सेज एज वेल. तो अगर रिजल्ट्स जो भी आपने सर्वे क्वेश्चनर बनाया या डेटा कलेक्ट किया एंड द डेटा एक्चुअली शोज कि येस द स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेट इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ और यूनियन एक्टिविटीज़ परफॉर्म बेटर इन एग्जाम, तो इसका मतलब है कि आपका एम्पिरिकल वैलिडेशन हो गई. योर डेटा इज़ एक्चुअली शोइंग के स्टूडेंट्स हु आर एंगेज इन यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़ या स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज़ परफॉर्म बेटर इन एग्जाम. तो वो कह रहे हैं कि सूरत में प्रैग्मेटिक और क्राइटेरियन वैलिडिटी इज डिटरमिंड, ठीक है. और इफ पास्ट रिसर्च इज ऑल्सो शोड द सेम थिंग, तो इसका मतलब है कि वैलिडिटी इज कंकरेंट, क्योंकि पास्ट रिसर्च शोड के स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर और प्रेजेंट रिसर्च इज ऑल्सो शो कि स्टूडेंट्स परफॉर्म बेटर इफ दे आर इन्वॉल्व इन यूनिवर्सिटी और स्टूडेंट यूनियन एक्टिविटीज. तो इसका मतलब है कि प्रैग्मेटिक क्राइटेरियन वैलिडिटी वहाँ पे भी डिटरमिन होगी, ठीक है. क्लियर है? मैम मुझे यहाँ पे एक बार समझा दे, मेरा जिस तरह कंटेंट एनालिसिस भी है और सर्वे भी है, तो मेरे उसके अंदर ये एम्पिरिकल वैलिडेशन भी आएगी. बतूल, आप एक्चुअली वैलिडिटी में फिर दोनों चीजें मेंशन करेंगी. यू वुड से कि यू हैव क्वांटिटेटिव डेटा और क्वांटिटेटिव डेटा इज वैलिडेटेड थ्रू एम्पिरिकल वैलिडेशन. आप ये वहां पे सिंपली यही लाइन लिखेंगी, ठीक है. और जो आपके उसमें चूंकि फिल्म मौजूद है, तो फिल्म के लिए आप उसको लिख देंगी कि थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल वैलिडेशन और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्चुअल कंस्ट्रक्ट के थ्रू वैलिडेट किया है. ठीक है. मैम, मेरा क्वेश्चन था कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी से थोड़ा सा रिलेटेड है. वो बेसिकली ये कि कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी में वो बता रहे हैं कि आपने दो ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है जो कि जिनके व्यूज डिफरेंट हैं ऑन द सेम इशू. आप आगे, आगे चले गए ना थोड़ा सा, मैं उस पे चलती हूं, उस पे आती हूं. ठीक है, ठीक है. तो बेसिकली वो आपको सिर्फ यही कह रहा है. और इसमें आप देखें ना कि यहाँ पे इसमें नंबर टू पे इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है प्रिडिक्शन, ठीक है. प्रिडिक्शन तो एट टाइम्स, फॉर इंस्टेंस जो हमने सभा का केस देखा और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इफ यू गो टू गुजरांवाला एंड स्टार्ट आस्किंग पीपल के उसका डू यू थिंक हर फादर वॉज राइट के उसने जो उसको मर्डर करने की कोशिश की एंड पीपल एक्चुअली सपोर्टेड हर फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप तो दिस इज समथिंग जो कि शायद आप सर्वे से पहले भी प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मोस्ट पीपल वुड गिव दिस टाइप ऑफ आंसर एंड मोस्ट पीपल वुड एक्चुअली सपोर्ट हर फादर, ठीक है. तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि ये इसमें तो फिर आपकी प्रिडिक्टिव वैलिडिटी है, यू नो कि बिफोर एक्चुअली कंडक्टिंग द रिसर्च यू न्यू कि ये रिजल्ट आएंगे, ठीक है. तो आप ये क्वान्टिटेटिव के केस में वो उसने थर्ड नंबर पर उसने प्रिडिक्टिव वैलिडिटी लिखी हुई थी. सो यू अंडरस्टैंड कि उसने कहा क्राइटेरियन, प्रैग्मेटिक, प्रिडिक्टिव, कंकरेंट के वर्ड्स उसने इस्तेमाल किए फॉर एम्पिरिकल वैलिडेशन, ठीक है. जो आपके ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट या दूसरा आप कह रहे हैं कि जी मेरा माई एम्पिरिकल डेटा इज एक्चुअली शोइंग माई स्टडी इज वैलिड एक्सेट्रा. पास्ट स्टडी भी एम्पिरिकल डेटा पे बेस्ड थी, नई स्टडी भी एम्पिरिकल डेटा पे बेस्ड है. तो इसका मतलब है कि थ्योरेटिकल वैलिडिटी तो इवेंचुअली वहाँ भी आना शुरू हो जाती है बिकॉज यू आर यूजिंग थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क. सो आप एक्चुअली यू आर सेइंग कि आप सिंपली फॉर नाउ आप सिर्फ इतना ही लिख दें कि क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो एम्पिरिकल वैलिडेशन यूज़ किया और क्वालिटेटिव डेटा जो है वो थ्योरेटिकल वैलिडेशन यूज़ की, ठीक है. वो आपसे ये कह रहा है कि थ्योरेटिकल वैलिडेशन आप उस वक्त एम्प्लॉय करते हैं जब आपकी एम्पिरिकल कन्फर्मेशन इज डिफिकल्ट और मेजर इज टेकन टू हैव थ्योरेटिकल वैलिडिटी इफ़ द फाइंडिंग्स कंप्लाई विद योर थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिप्लिन. तो मैंने तो आपसे थ्रू आउट इवन इन मीडिया थ्योरी की क्लास में और रिसर्च मेथोडोलॉजी की क्लास में वी हैव बीन फोकसिंग ऑन लिटरेचर रिव्यू इन बोथ केसेस, राइट. तो लिटरेचर रिव्यू का तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वट एवर यू आर राइटिंग यू आर एक्चुअली थ्योरेटिकली वैलिडेटिंग जो भी आप कॉन्सेप्ट्स लिख रहे हैं. अब आप इसमें आप चीज़ आगे अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फेस वैलिडिटी. फेस वैलिडिटी सेज कि एन इंस्ट्रूमेंट हैज फेस वैलिडिटी इफ इट सीम्स टू मेजर व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर. देखें ये प्रिडिक्टिव से फर्क है. तो प्रिडिक्टिव में था कि यू बीन प्रिडिक्टिंग
और इसमें एक्सपेक्टिंग है। हाँ इसमें लिख रहा है कि ऑन द फेस ऑफ इट इट शोज कि यही रिजल्ट आएगा राइट ऑन द जी फेस फेस जी वैलिडिटी वो ये कह रहा है इट इज मेजरिंग व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर ऑन द फेस ऑफ इट इट अपीयर्स टू हैव वैलिडिटी तो वो ये कह रहा है कि आप कह सकते हैं और यहाँ पे उसने कहा था कि फॉर इंस्टेंस अगर आपको जो है कि सेक्स डिस्क्रिमिनेशन जो है फॉर इंस्टेंस इफ यू आर स्टडिंग के पाकिस्तान में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होती है या नहीं होती इन केस ऑफ एजुकेशन फॉर इंस्टेंस इफ यू आर सेइंग कि गर्ल्स एंड बॉयज जो हैं दे डोंट हैव पैरिटी राइट अगर पेरेंट्स के पास इफ दे हैव लिमिटेड फंड्स सो दे एक्चुअली पिक अप देयर सन फॉर हायर एजुकेशन इंस्टेड ऑफ देयर डॉटर और खासतौर पे एजुकेशन अब्रॉड के केस में तो पेरेंट्स अक्सर बेटे को भेजते हैं बेटी को नहीं भेजते सो यू नो कि यहाँ पे इस केस में सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होगी ऑन द फेस ऑफ इट यू नो कि पेरेंट्स विल चूज बिटवीन द बॉय एंड गर्ल द पेरेंट्स विल ऑप्ट फॉर देयर सन ठीक है तो आपको वो क्लियरली नजर आ रहा है कि ये होगा ठीक है ठीक है मैम। ओके मैम उन्होंने एक और चीज उन्होंने इधर कही है, उन्होंने कहा है कि इट इज आल्सो बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर के हाँ तो देखिए फेस वैलिडिटी तो सब्जेक्टिव जजमेंट ही है ना जी मैम सब्जेक्टिव जजमेंट है आपको आपको लग रहा था कि जी बिटवीन बिटवीन द सन एंड डॉटर पेरेंट्स विल एक्चुअली ऑप्ट विल इन्वेस्ट इन देयर सन्स एजुकेशन तो ठीक है सब्जेक्टिव मैम जजमेंट है ये तो वो ये कह रहा है कि फेस वैलिडिटी है इसमें बिकॉज दिस इज द सब्जेक्टिव जजमेंट ऑफ द रिसर्चर ठीक है ठीक है और मैम अभी इसमें और आगे कुछ और मेथड भी आ रहे हैं कि यू एक्चुअली लुक एट वर्क ऑफ अदर रिसर्चर्स वर्क आल्सो शोज के सब्जेक्टिव वैलिडिटी है तो फिर आप यही कह रहे हैं कि जी फेस वैलिडिटी इसमें नजर आ रही है ठीक है ठीक है मैम उसके बिल्कुल ठीक बाद उसने लिखा कि कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है अब आपकी है फिल्म राइट तो अगर जी मैम आपका था प्रोपेगेंडा इन द 21st सेंचुरी एक्सेट्रा अब इफ यू स्टडी कवर्स एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ रिसर्च टॉपिक ठीक है आपने फिल्म का नाम लिखा उसके बाद लिखा प्रोपेगेंडा इन द 21st सेंचुरी मैम आपको ये पता होगा प्रोपेगेंडा की टाइप्स कौन सी हैं, आपकी फिल्म कौन सी टाइप ऑफ प्रोपेगेंडा के ऊपर है। ठीक है इस तरह उसके हर एलिमेंट आपको पता हो अगर, तो आई गेस ये कंटेंट वैलिडिटी अप्लाई होती है ना। If you have covered all aspects of the possible topic, then you are saying कि content validity is determined because you haven't missed any aspect of your topic. ठीक है? और फिर आप ठीक है क्योंकि अगर जब भी इवेंचुअली मैंने आपसे कहा था कि वो जो अभी पीछे एक नजर आ रहा था रिसर्च प्रपोजल में कि चैप्टर 4 जो है वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है एंड चैप्टर 5 इज क्वांटिटेटिव तो आप उस जी मैम में आप उस किस्म की चीजें भी अगर कर रहे हैं तो आप यही कह रहे हैं कि इन चैप्टर 4 यू हैव कवर्ड ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स ऑफ रिसर्च टॉपिक ठीक है ठीक है यू आर मैम सेइंग कि जी मैंने आई हैव डिटरमिन्ड कंटेंट वैलिडिटी फिर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को वो ये कह रहा है कि आप मैम ये क्या थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट है बाकियों से, क्योंकि इसके अंदर यू आइदर नीड अ क्वेश्चनेयर और अ सर्वे एंड इट हैज टू बी एडमिनिस्टर्ड टू अ सर्टेन ग्रुप। वन ऑफ द ग्रुप्स मतलब बोथ ऑफ द ग्रुप्स नीड टू डिफर इन द बेसिक आइडिया ऑफ द इशू, हाँ तो ही आप जाके अपनी 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 आइडियोलॉजी वहां पे या अपनी फाइंडिंग्स या रिसर्च उधर उधर टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास इफ यू हैव नथिंग टू प्रेजेंट, नो इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपके पास सर्वे नहीं है, आपने फोकस ग्रुप में बिठाया हुआ, आपने क्वेश्चन नहीं डेवलप किया हुआ, तो आई गेस उस तरह की रिसर्च में यू कैन नॉट अप्लाई कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, और कैन इट बी अप्लाइड। हाँ तो वो आपसे सिंपली यही कह रहा है ना कि आप यू हैव डेवलप्ड जो भी अपना एक टूल आपने जो डेवलप किया है वो टूल एक्चुअली वुड मेजर द डिफरेंस बिटवीन द बिहेवियर ऑफ टू ग्रुप्स वो आपको यही कह रहा है कि आपको बिफोर इफ यू नो बिफोर हैंड कि दोनों ग्रुप्स का बिहेवियर फर्क है फॉर इंस्टेंस एक औरत माच का ग्रुप था जिन्होंने वो डाल दिया मेरा जिस्म मेरी मर्जी राइट
और जी मैम, एक दूसरा ग्रुप था जिन्होंने, मेरा ख्याल है काफी रिलीजियस ग्रुप साथ में खड़े हो गए, एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि जी ये तो बहुत, दे डिड नॉट लाइक द क्लेम, राइट? सो यू नो फॉर श्योर कि ये दोनों ग्रुप्स जो हैं इनका बिहेवियर एंड रिस्पॉन्सेज इज वेरी डिफरेंट, राइट? सो अगर आप सेम क्वेश्चनेयर दोनों के पास लेके जाएंगे तो दोनों ग्रुप्स के आंसर्स कुछ और होंगे. यू नो फॉर श्योर कि ये जो जो रिलीजियस ग्रुप था दे गेव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स टू द सेम क्वेश्चन. दे प्रॉबेबली थॉट के वुमन कैन नॉट से मेरा जिस्म मेरी मर्जी, राइट? जबकि जो जो प्रोग्रेसिव ग्रुप्स थे उनका रिस्पॉन्स बड़ा क्लियरली ये था कि हाँ उसकी मर्जी, ठीक है. सो वुमन कैन से नो टू हर हस्बैंड, वुमन कैन से नो टू एनी वन, और वुमन कैन डू वट एवर शी लाइक्स. जबकि रिलीजियस ग्रुप जो हैं वो वट एवर शी लाइक्स को शायद सपोर्ट ही नहीं करेंगे. सो यू नो बिफोर हैंड कि दोनों ग्रुप जो हैं उनकी रिस्पॉन्सेज फर्क आएंगी. तो आपने जो भी टूल प्रिपेयर किया, अगर इफ इफ दैट टूल गिव्स यू रिजल्ट्स फ्रॉम बोथ द ग्रुप्स, आपकी फाइंडिंग, इफ यू फील योर फाइंडिंग सो दैट बोथ ग्रुप्स हैव आंसर डिफरेंटली, तो आपका जो टूल था वो बिल्कुल ठीक था. योर टूल इज एक्चुअली शोइंग कंस्ट्रक्टिव वैलिडिटी, बिकॉज आपके टूल ने ये नहीं दिखाया कि जो प्रोग्रेसिव ग्रुप था और जो रिलीजियस ग्रुप था देर आंसर्स वर सिमिलर, ठीक है? ठीक है मैम. हाउ 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 कैन आई, शुड आई अप्लाई दिस वैलिडिटी मेथड इन माय प्रपोजल? शुड आई मेंशन दिस? अगर आप कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है, अगर आप इसको कह रहे हैं कि अगर आप उसको यूज कर रहे हैं, तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट इज एक्चुअली शोइंग के कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्ट आपका ठीक है थ्योरेटिकल, देन यू कैन एक्चुअली यूज दिस, ठीक है मैम, ठीक है? कि बिल्कुल ठीक है. आप थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज वैलिड, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जब आपको लगता है कि थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट इज वैलिड, ठीक है? ठीक है मैम. उसके बाद ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी नजर आ रही है. इंटरनल वैलिडिटी इज अबाउट योर क्वेश्चनियर. फॉर एग्जांपल सर्वे क्वेश्चनियर आपने बनाया है, ठीक है, और आपको जी ये मैम. आपको आपको लग रहा है कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक है, ठीक है? सो यू आर सेइंग कि इंटरनल वैलिडिटी है. फॉर इंस्टेंस बतूल ने एक सर्वे क्वेश्चनियर बनाया दैट इज मेजरिंग पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, ठीक है? और उस क्वेश्चनियर में वो इफ शी फील्स के दिस क्वेश्चनियर इज गुड एनफ फॉर मेजरिंग पब्लिक रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, और एंड शी हैज कवर्ड एवरी एस्पेक्ट जो कि उसके अंदर होना चाहिए, तो शी कैन एक्चुअली राइट के माई टूल जो है, माई इंस्ट्रूमेंट जो है, उसमें इंटरनल वेलिडिटी है, ठीक है? और एक्सटर्नल वेलिडिटी उस वक्त डिटरमिन होती है जब आप ये कह सकें कि जी मेरी स्टडी के रिजल्ट्स जनरलाइजेबल हैं. आई थिंक हमने काफ़ी बार बार इस चीज़ को डिस्कस किया कि जनरलाइजेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव स्टडीज़. कि आपने एक सर्वे एक दफ़ा कंडक्ट किया कराची में, और दूसरी दफ़ा कंडक्ट किया लाहौर में, गुजरांवाला में, सियालकोट में, पेशावर में, और एवरी टाइम यू गो टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर कंडक्टिंग द सेम सर्वे. फॉर इंस्टेंस आपने इन पांचों सिटीज में आगे मैरिटल रेप पे रिस्पॉन्स ली, तो यू कैन से कि जी माई स्टडी इज जनरलाइजेबल. तो जैसे ही जनरलाइजेबिलिटी डिटरमिन होती है आपकी वैलिडिटी, आप कह आप जनरलाइजेबिलिटी के साथ आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है? वहाँ पे दो वर्ड्स थे, एक थी वैलिडिटी और दूसरी थी जनरलाइजेबिलिटी. तो एक तो वैलिडिटी डिटरमिन हो गई ना, लेकिन वैलिडिटी जो जनरलाइजेबिलिटी के साथ आपकी रिलायबिलिटी भी डिटरमिन हो गई. आप देख रहे थे ना यहाँ पे दो वर्ड्स थे, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी दोनों थे, देख रहे हैं? यस मैम. हाँ, तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे जब आप वैलिडिटी डिटरमिन कर रहे हैं तो वैलिडिटी तो डिटरमिन हुई, लेकिन जैसे ही आपके सारे शहरों में एक जैसे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए, योर स्टडी इज ऑल्सो जनरलाइजेबल एंड रिलायबल, ठीक है मैम. ठीक है? बतूल क्लियर? जी मैम, आगे ऑल राइट. फारूक कोई क्वेश्चन है? नो मैम. अहमद मसूद कोई क्वेश्चन है? नो मैम. ठीक
आप थोड़ा सा लेट आए थे, आपका आपको कोई कंफ्यूजन तो नहीं है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के बारे में? नहीं मैम। ऑल राइट, ओके। यू कैन ऑल्सो से कि वैलिडिटी हैज फ्रीड माई डेटा फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड कंटेमिनेशन, ठीक है, एंड फ्रॉम वेरिएबल मैनिपुलेशन। वट डज दैट मीन मैनिपुलेशन? विच मीन्स कि आपने कोई ऐसी चीज नहीं की, फॉर इंस्टेंस आप में से समबडी आस्क्ड मी लास्ट टाइम कि जी मैं ये सर्वे क्वेश्चनर घर में सर्कुलेट कर दूँ, तो वो तो फिर मैनिपुलेशन हो जाएगी ना, बिकॉज और या फिर अपनी क्लास में ही अगर आपने सर्वे शेयर कर लिया, प्रॉबेबली इट्स ओके फॉर द एक्सरसाइज पर्पसेस, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर रिसर्च एट लार्ज, क्योंकि आपने पब्लिक रिस्पॉन्स अगर आपको स्टडी करनी है तो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। इवन अपने मैम वो रिसर्च एथिक्स के साथ भी क्लैश करेगा ना? रिसर्च एथिक्स के साथ क्लैश करेगा, विच मीन्स के कंटेमिनेशन होगी उसमें, ठीक है, इंटरफेरेंस होगी। अपनी मर्जी के लोगों को फोकस ग्रुप में बुला लेंगे तो आप यू आर मैनिपुलेटिंग रिजल्ट्स, ठीक है। आपने सारे सारे के सारे औरत मार्च वाले लोग बिठा दिए ग्रुप में फॉर डिस्कसिंग एन इशू, तो उनके तो बड़े लिबरल व्यूज होंगे, विच मीन्स कि आपने रिलीजियस ग्रुप को आउट कर दिया, राइट? तो इसका मतलब है कि वेरिएबल मैनिपुलेशन हो गई ना, कि यू आर स्टडिंग इफ वुमन शुड हैव द राइट टू से ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो वेरिएबल मैनिपुलेट हो गया उसके अंदर, सो आपका डेटा जो है वो कंटेमिनेट हो गया, सो योर स्टडी इज रॉन्ग एक्चुअली। वो ये यहाँ पे उसने सिर्फ ये कहा है कि सम पीपल यूज द वर्ड वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, अदर्स यूज क्रेडिबिलिटी ट्रस्टवर्दीनेस ऑन एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है, ठीक है। ऑलराइट, क्यूमुलेटिव वैलिडेशन जो है वो क्या होती है? उस सूरत में जब आपको कहता है कि आपका यो डेटा इज सपोर्टेड बाय अदर स्टडीज, कि वट एवर यू आर शोइंग कि दिस फिल्म इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, योर फाइंडिंग्स शो आफ्टर एन एनालाइजिंग, अगर आप कंक्लूजन में ये लिख रहे हैं कि इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म एंड यू हैव प्रूव्ड हाउ द फिल्म इज यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा बाय वट एवर गवर्नमेंट और बाय वट एवर प्रोड्यूसर एक्सेट्रा, तो यू आर सेइंग कि ये एक तो इट इज़ इट हैज़ कवर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट, और उसके बाद यू आर सेइंग कि माय फाइंडिंग्स आर आल्सो सपोर्टेड बाय पास्ट स्टडीज, के हाउ द फिल्म्स वर यूज्ड फॉर प्रोपेगेंडा, और इस वक्त आपकी स्टडी इज शोइंग कि इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म, तो आप ये कह रहे हैं कि क्यूमुलेटिव वैलिडेशन भी हो गई है, ठीक है, ठीक है। तो आप, हाँ, सो मैं आप उस सूरत में ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि एम्पिरिकल डेटा यूज ही नहीं कर रहे, राइट? सो एम्पिरिकल डेटा अगर यूज नहीं कर रहे तो क्यूमुलेटिव वैलिडेशन इज अनदर मेथड ऑफ शोइंग के जी माय स्टडी इज वैलिड। कम्युनिकेटिव वैलिडिटी इसके नीचे है, फॉर इंस्टेंस जो लोग सर्वे कंडक्ट कर रहे थे, सर्वे के बाद उनको लगता है कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट हैव नॉट बीन आंसर्ड, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? यू कैन आस्क एडिशनल क्वेश्चन फ्रॉम द रिस्पॉन्डेंट्स, आपने एक फोकस ग्रुप बनाया था या इंटरव्यूज कंडक्ट किए थे या जो भी किया था, आपको लगता है कि आपने स्टडी लिखने के बाद यू शेयर्ड द स्टडी विद इंफॉर्मेंट्स फॉर इंस्टेंस, और आपको लगा कि इंफॉर्मेंट से आपने फीडबैक लिया कि ये मेरी रिसर्च ठीक है या गलत है, एंड योर इंफॉर्मेंट्स आर सेइंग कि दे डू नॉट एग्री विद दिस और दैट एस्पेक्ट, तो वो ये कह रहा है कि आप उसको एडिशनल क्वेश्चनिंग के थ्रू भी वैलिडेट कर सकते हैं, बिकॉज देन यू विल रीड्रेस इश्यूज जो कि पहले कवर नहीं हुए, ठीक है। और आर्ग्यूमेंटेटिव वैलिडेशन, इट ओनली मीन्स कि अगर आपका इफ़ यू हैव डेवलप्ड अ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, और उस आर्ग्यूमेंट में ऐसी कोई चीज़ नहीं रह गई, आपने एक आर्ग्यूमेंट डेवलप किया, फॉर इंस्टेंस जो क्वेश्चन था हिंदू वाली स्टडी थी इसकी, हिंदू इन पाकिस्तान या अली खान, अली खान, ठीक है, और उस स्टडी को पढ़ने के बाद मुझे ये लगा कि नहीं, देयर इज समथिंग आई डोंट एग्री विद, राइट? लेकिन अगर अगर तो आई डोंट एग्री विद समथिंग, तो मैंने उस पर क्वेश्चन रेज कर दिया, सो अली खान हैज टू क्रिएट एन आर्ग्यूमेंट जो कि विच इज सेटिस्फैक्ट्री फॉर ऑल द रिसर्चर्स, ठीक है। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने सब कुछ कवर कर दिया है और आर्ग्यूमेंट इतना स्ट्रांगली डेवलप किया दैट आंसर्स एनी क्वेश्चन एंड एवरी क्वेश्चन दैट एनीबडी हैज इन माइंड, तो आप आर्ग्यूमेंटेटिव वैलिडिटी भी कर सकते हैं, ठीक
ठीक है, और फिर इकोलॉजिकल वैलिडेशन विच मीन्स जो सभा की नेचुरल एनवायरनमेंट है गुजरांवाला या सम अदर प्लेस. तो आपने जब नेचुरल एनवायरनमेंट में उस स्टडी को कंडक्ट कर रहे हैं सो इट मीन्स कि इकोलॉजिकली वो वैलिड है, ठीक है. सो बिकॉज यू आर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ द रिसर्च. अगर सभा के केस में कि अगर उसने अपनी मर्जी की, या मैरिटल रेप के केस में इफ़ यू आर स्टडिंग इट इन पाकिस्तान और इन लाहौर जहाँ पे आपको पता है कि रिस्पोंडेंट्स हैव पर्टिकुलर लाइफ सिचुएशंस एंड कंडीशंस एक्सेट्रा, तो देन यू कैन से दिस स्टडी वाज कंडक्टेड इन देयर नेचुरल एनवायरनमेंट. सो माय स्टडी इज वैलिड बिकॉज इट इज कंडक्टेड इन द नेचुरल एनवायरनमेंट. और उसके अलावा भी यू कैन थिंक अबाउट अदर मैथड्स ऑफ वैलिडेटिंग. और फिर वो आपसे ये कह रहा है कि जो आपने स्टडी की यू मस्ट बी श्योर के रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है. मैंने आपसे कहा था कि इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि जो रिसर्च कंडक्ट हुई है दे शुड रिप्रेजेंट पीपल अक्रॉस पाकिस्तान. सो मैरिटल रेप पे अगर स्टडी आपने सिर्फ बीकन हाउस में कंडक्ट कर दी सो पीपल एट जीसी प्रॉबली शुड हैव यू नो उनसे अगर आपने कंडक्ट की तो टू स्टडीज शुड हैव सम सिमिलैरिटी इन देम. और फिर उसको आप ले गए पंजाब यूनिवर्सिटी, देन यू टुक इट टू यू नो लाइक यूनिवर्सिटीज के अलावा आपने स्टडी कंडक्ट की से इन वॉल्ड सिटी, इन शादरा, इन भाई फेरू एक्सेट्रा. एंड देन यू आर सेइंग कि मैंने जहाँ जहाँ सर्वे कंडक्ट किया आई हैव इंक्लूडेड ऑल काइंड ऑफ पीपल एंड स्टडी इज रिप्रेजेंटेटिव. तो जैसे ही आपकी स्टडी रिप्रेजेंटेटिवनेस चेक हो गई तो इट मीन्स कि योर स्टडी इज प्रॉबली वैलिड, ठीक है. यू आर एक्चुअली सेइंग कि मेरी स्टडी थियोरेटिकली करेक्ट है, राइट. सो आपने आपने उसके थ्रू आपने चूँकि आपने आपकी स्टडीज में आप कोई ऐसी चीज़ें नहीं ऐड कर रहे दैट आर यू नो लाइक कॉन्ट्रास्ट केसेस होंगे, तो आप कॉन्ट्रास्ट को फिर आपको रिड्रेसल चाहिए होगा कॉन्ट्रास्ट के केस में. और अगर जो आपके देखिए मैंने आपसे शायद कहा था कि वो जो हिटलर की फिल्म है ट्रायम्फ ऑफ द विल, आपको डिड वी डिस्कस इट कि हिटलर इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रायम्फ ऑफ द विल. तो वो यस मैम मल्टीपल टाइम्स दुनिया के जो सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा फिल्म्स में से एक है, इट्स अ प्रोपेगेंडा फिल्म क्लासिक, राइट. सो आई वुड सजेस्ट कि आप देखें ना कि आपकी फिल्म का नाम तो है आर्म्ड विद फेथ. अगर आप लिटरेचर रिव्यू में कोई ऐसी चीज कह रहे हैं विच समबडी हैज सेड अबाउट ट्रायम्फ ऑफ द विल और एनी अदर प्रोपेगेंडा फिल्म, तो आप तो ऑलरेडी अलाइनिंग यू नो योर अलाइनिंग योर आइडियाज विद द प्रोपेगेंडा फिल्म ऑफ द पास्ट. आपने लिटरेचर रिव्यू में इंक्लूड कर लिया पेपर्स ऑन प्रोपेगेंडा फिल्म्स ऑफ द पास्ट एंड यू आल्सो इंक्लूडेड इन योर थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोपेगेंडा फिल्म्स. तो अगर आप लिटरेचर में प्रोपेगेंडा प्रिंट मीडिया के बजाय प्रोपेगेंडा थ्रू फिल्म्स या सिलेक्टेड फिल्म्स जिनको प्रोपेगेंडा फिल्म्स में रिकग्नाइज किया जाता है उसमें से आप कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल है, यू नो. ठीक है मैम. प्रोपेगेंडा फिल्म्स के पेपर प्रिंट मीडिया प्रोपेगेंडा के मुकाबले में ज्यादा बेहतर है आपके लिए. जी मैम, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स हैं वो दे आर मच मोर कंट्रास्ट मोर सूटेबल. तो आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी आपने उसको उनका लिंक डेवलप कर दिया ना थ्योरेटिकल. एंड सेकेंडली योर एक चीज ये याद रखिएगा कि जब आई कीप ऑन सेइंग कि आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं यू आर एक्चुअली लुकिंग एट यू नो पास्ट स्टडीज, क्योंकि पास्ट स्टडीज के थ्रू आपको ये पता चलता है कि व्हाट पीपल हैव डन इन द पास्ट एंड व्हाट आई नीड टू डू नाउ. एंड इन मेनी केसेस यू आर कमिंग अप विद अ न्यू क्वेश्चन और मूविंग अ स्टेप अहेड, ठीक है. सो बेसिकली आपने उनके साथ लिंक तो डिवेलप कर दिया ना. और दूसरी बात जो है वो आप को ये कह रहा है, एक तो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, दूसरे उसके कह रहा है कि रिसर्चर इफेक्ट्स को अवॉइड करना है, ठीक है. रिसर्चर इफेक्ट मिसाल के तौर पे आप फोकस ग्रुप में हैं, आप खुद ही क्वेश्चंस कर रहे थे, सो यू आर नॉट लेटिंग पीपल गिव देयर ओन रिस्पॉन्सेज, यू आर
talking and talking and talking non-stop and people start supporting you. ठीक है, तो उसका मतलब है कि people are actually not giving their own ideas in the focus group discussion. They are actually saying what you are saying. इसका मतलब respondents पे आपका effect आ गया. तो आपको वो ये कह रहे हैं कि you should check के focus group हुआ या survey में तो देखें respondent researcher effect आएगा नहीं. Specially अगर आप ऑनलाइन सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्वे के केस में तो यू आर डिसकनेक्टेड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, ठीक है. लेकिन फोकस ग्रुप के केस में इफ़ यू आर मैनिपुलेटिंग डिस्कशन तो रिसर्चर इफेक्ट आएगा. तो आपको वो ये कह रहा है कि यू हैव टू अवॉइड रिसर्चर इफेक्ट, आपको अनऑब्ट्रूसिव मैथड यूज़ करना है. बिकॉज इफ़ यू आर सेइंग कि मैंने डेटा कलेक्ट किया विदाउट द रिसर्चर इफेक्ट, अनऑब्ट्रूसिव मैथड यूज किया, आई पब्लिश्ड ऑनलाइन क्वेश्चनियर जिस पे पीपल रिस्पॉन्डेड एंड देन आई एनालाइज डेटा बाय SPSS. तो आप ये कह रहे हैं कि मेरा तो बिल्कुल अनऑब्ट्रूसिव मैथड था, माई स्टडी डज नॉट हैव एनी रिसर्चर इफेक्ट, माई फाइंडिंग्स आर फ्री ऑफ रिसर्चर इफेक्ट एंड कंटेमिनेशन. जी सैफ, कुछ समझ आया? आपको एक फाइल मैंने भेजी है, वो भी प्लीज देख लेना. फाइल आपने प्रपोजल की हेडिंग में अपलोड की है? मैंने उसको अपलोड किया है असाइनमेंट 2 में, टेबल वाली में. अच्छा, प्लीज आप लोगों से आप लोग असाइनमेंट 2 में कुछ भी मत अपलोड करें. उसकी वजह ये है कि ये मैंने क्रिएट किया था फाइनल प्रपोजल अपलोड हियर. तो फाइनल प्रपोजल में जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों से मांगी थी वो सारी यहाँ पे नज़र आ रही है ना. इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी, लिमिटेशन ऑफ स्टडी, डिस्कशन, एनालिसिस, यहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मेथड में मैंने आपसे कहा था मेथड में वैलिडिटी, रिलायबिलिटी सब कुछ आएगा, एवरीथिंग, राइट. सो अब आप लोग किसी और असाइनमेंट की हेडिंग में कुछ भी मत पोस्ट करें, बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि मैं आई कीप गोइंग टू असाइनमेंट्स. अब यहाँ पे चूँकि ये क्रिएट हुआ हुआ है तो यहाँ पे जितने भी मुझे अपलोड्स नज़र आ रहे हैं, दिस प्रपोजल कंटेन्स एवरीथिंग जो आप लोग प्रपोजल्स अपलोड कर रहे हैं. सो अब मैं आई विल नॉट बी गोइंग बैक टू असाइनमेंट्स. जो कुछ भी मुझे पढ़ना होगा मैं यहाँ से, हाँ. सो आप मेक श्योर कि यू आर नॉट पोस्टिंग एनीवेयर एल्स. ये तो हमें अपलोड ये क्रिएट किए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आई थिंक वी क्रिएटेड राइट आफ्टर द लास्ट क्लास, राइट. तो इस वक्त प्रपोजल, क्योंकि यू आर पब्लिशिंग कंप्लीट प्रपोजल और अपलोडिंग कंप्लीट प्रपोजल, सो ओनली अपलोड हियर, ठीक है. हाँ, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल कि आई कीप चेकिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. वो तो उनकी तो डेडलाइंस थी ना सारों की, तो अगर वो वहाँ पे आ गए होते तो मैं आपको आई कुड गिव यू फीडबैक अर्लियर, और उस फीडबैक की बेसिस पे आप जो बेस्ट कर सकते थे उस वक्त कर सकते थे, राइट. तो इस वक्त तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जस्ट अपलोड इट हियर. मैं भी कर देता हूँ उसको दोबारा. हाँ, यहीं पे आप जो भी प्रपोजल के पॉइंट ऑफ व्यू से वट एवर यू आर अपलोडिंग ओनली अपलोड हियर, चाहे वो आपका फर्स्ट ड्राफ्ट है, सेकेंड ड्राफ्ट है, लेकिन मेक श्योर के आप एवरीबडी अपलोड्स प्रपोजल्स टुडे. ठीक है, ठीक है, ऑल राइट. दूसरी चीज़ जो है, एक चीज़ मैंने आपसे कहा था कि इफ़ यू आर यूजिंग कॉन्टेंट एनालिसिस मैथड एंड इफ़ यू आर यूजिंग सर्वे मैथड, जो कि बतूल के केस में इस वक्त दोनों नज़र आ रहे हैं, तो मैंने आपको कहा था कि इट्स कॉल्ड ट्राइंगुलेशन ऑफ मैथड्स. सो जैसे ही दो मैथड, जब जैसे ही द मिनट यू यूज टू मैथड्स और दोनों मेथड्स की फाइंडिंग्स जो हैं वो आपको मैरिटल रेप पे जो भी आपके कमेंट्स थे, यू कैन सी कि आपके दोनों मेथड्स जो हैं उसकी फाइंडिंग्स कंसिस्टेंट हैं कि नहीं हैं. और मैरिटल रेप के को जो भी पाकिस्तान में समझा जाता है उस पर आपके कोई ऑब्जर्वेशंस होंगे, दैट्स हाउ यू विल डिस्कस द प्ले. तो बेसिकली ट्राइंगुलेशन के थ्रू भी आपकी स्टडीज जो हैं वो वैलिडेट हो जाती हैं. यू आर सेइंग कि आई यूज ट्राइंगुलेशन ऑफ मेथड्स,
that actually determines that my study is valid. ठीक है, और weighing of evidence जो है वो आपको कह रहा है testing the quality of the findings can be accomplished through weighing the evidence. For example, by using better informants, अगर आपने focus group किया था, कोई ऐसा question था जिसके जवाब focus group में या किसी भी group में, if you have people who are very quiet and not contributing much, so depending on your study question, you can have better informants. ठीक है, so you are saying के और जब आप किसी चीज को वापस करते हैं to your you know communicative validity, एक पीछे लिखा हुआ था. So जैसे ही you are getting, you are taking your study back to the informants and they are giving their opinion again, तो उसके through भी you know you are constantly improving it. तो better informants collecting data and under better circumstances and through validating the data, आप determine कर लेते हैं कि my study is valid. इसके आगे लिखा हुआ है checking the meaning of outliers and extreme cases. For instance, आप marital rape पे you decided to interview 20 people, right? कि मैं सर्वे के बजाय इंटरव्यूज कर रही थी, राइट? और आपको कोई ऐसा रिस्पोंडेंट मिला जो कि आपको लगता है एक्सट्रीम केस है, जी, ठीक है? तो आप बजाय ये कि यू थिंक कि जी आई शुड नॉट रिपोर्ट बिकॉज़ इट्स नॉट इट्स टू मच इन कंट्रास्ट विद व्हाट एवरीवन एल्स इज सेइंग, तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं करेंगे. Because if there is an outlier or an extreme case, usko you must study closely, taki aap jo final analysis likh rahi hain and your method was, for instance, interviews of the respondents, to aap unusual events ko ignore karke nahi jayenge. So before unusual ya outlier ko bhi aapne report karna hai, theek hai? आपकी फाइनल फाइंडिंग्स तो बेस्ड मोस्ट के ऊपर ही होंगी कि व्हाट मोस्ट रिस्पोंडेंट्स आर सेइंग, लेकिन इफ देयर इज एन आउटलायर, फॉर इंस्टेंस वो जो था जो स्टडी थी पाकिस्तानी फिल्म्स में रेप सीन्स की, उसमें उसने मेंशन किया कि जी ऑल फिल्म्स, लाइक इफ शी हैड स्टडीड 35 फिल्म्स, ऑल फिल्म्स के एंड में all films showed women being raped. Or then she said ke bol mein women rape nahi tha balki rape of transgender tha, right? To wo that was different in her particular sample, to usne usko mention kiya ke all films except bol focused on rape of women, rape scenes jitne the sari films mein except bol focused on rape of women, theek hai, dishonoring female body except bowl. तो वो ये कह रहा है कि आप उसको भी ज़रा देख लेते हैं कि ताकि आपको एक्सट्रीम केस या डिफरेंट केस को इग्नोर करने के बजाय उसको आप रिपोर्ट करें. और फिर आपको कोई चीज़ फॉलोइंग अप सरप्राइजेस जो है, इसका मतलब है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट था जो डिफरेंट था, सरप्राइजिंग था, तो वो ये कह रहा है कि उसको भी आप डिस्कार्ड करने के बजाय उसको देख लें कि क्या होना चाहिए. आप मिसाल के तौर पे जो मैंने आपको अभी बोल की एग्जांपल दी, मैंने कहा ये एक डिफरेंट था, एक्सट्रीम केस था, आउटलायर था, या सरप्राइजिंग था कि मेल रेप ट्रांसजेंडर का रेप दिखाया, और देन यू आर सेइंग कि ओ ट्रांसजेंडर वाज आल्सो मर्डर्ड बिकॉज बाकी रेप फिल्म्स जो थी उनमें भी डेथ वॉज द रिजल्ट, ठीक है? सो पाकिस्तानी फिल्म में अगर उस इफ़ शी हैड फाउंड 35 सैम्पल्स एंड इन एवरी केस जहाँ पे डिसऑनर्ड फीमेल बॉडी की का जो एंडिंग थी वो डेथ पे थी, तो यू आर सेइंग कि जी ये एक डिफरेंट था, मोस्ट वर वेमेन हुज फेट वाज डेथ, बट ट्रांसजेंडर कैरेक्टर जो है हिज फेट वाज डेथ एज वेल, ठीक है? और देन ही सेइंग कि जी आपने नेगेटिव एविडेंस, अब आपका क्लेम ये था कि जी पाकिस्तानी फिल्म रेप
सीन के केस में वुमन को मार देती है, दैट वॉज योर क्लेम. नाउ यू फाइंड के एक यू फाइंड अ कैरेक्टर इन अ फिल्म जिसमें रेप्ड वुमन एक्चुअली सर्वाइव्ड बिकॉज समबडी सेड के इसमें इसका क्या कसूर था, राइट? रेप के केस में तो आपका कंसेंचुअल नहीं है ना. सो बेसिकली वो ये कह रहा है कि नेगेटिव एविडेंस अगर आपको नजर आया तो यू मस्ट रिपोर्ट नेगेटिव एविडेंस एज वेल. जी मोहम्मद अली 119, आर यू क्लियर अबाउट व्हाट आई हैव सेड जस्ट नाउ? वो आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि नेगेटिव एविडेंस अगर आपको आपका जो भी क्वेश्चन था या थीसिस स्टेटमेंट थी या ऑब्जेक्टिव व्हाटएवर यू वर स्टडीइंग, आपकी फाइंडिंग्स के अगेंस्ट आपको कोई नेगेटिव एविडेंस नजर आ रहा है तो आप उसको फुली यू विल थिंक अबाउट इट, यू विल फुली डिग इनटू इट बिफोर क्लोजिंग योर स्टडी, ठीक है? और वो कह रहे हैं कि इफ देन टेस्ट भी कर सकते हैं. देखें जो आपकी क्वांटिटेटिव स्टडी में तो इफ देन टेस्ट बड़ा आसान है, और इवन जो क्वालिटेटिव है उसके केस में अगर आपको लगता है कि सबा के बाप ने तो कह भी दिया कि अगर मेरी दूसरी बेटी भी ये करेगी तो मैं उसको भी मारूंगा, राइट? सो बेसिकली यू नो बिफोर हैंड कि जी इफ सबाज यंगर सिस्टर डन does this, she will also face the same fate, right? कि उसका बाप और उसका चाचा उसको भी मारने की कोशिश करेगा, right? So if then test, अगर ये होगा तो ये होगा, अगर ये होगा तो ये होगा. So he is saying कि if then test के through भी आप determine कर सकते हैं कि exploring relationship between two variables. तो आप कि हाइपोथेसिस जो है वो यही है कि इफ दिस हैपेंस देन दिस विल हैपन, राइट? और उसके बाद वो कह रहा है रूलिंग आउट स्पूरियस रिलेशंस. वो ये कह रहा है कि आपने यू आर इवेल्यूएटिंग योर डेटा और आपको लगता है कि इट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स सीम्स वेरी वीक, राइट? तो फिर आप कह दें कि जी माई स्टडी डिड नॉट प्रूव, माई स्टडी एक्चुअली प्रूव्ड के हाइपोथेसिस वाज रॉन्ग, माई स्टडी प्रूव्ड यू नो लाइक क्वेश्चन की सूरत में तो यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स टू द क्वेश्चंस, लेकिन जहां थीसिस स्टेटमेंट्स या क्लेम्स थे, योर थीसिस स्टेटमेंट जो है इट इज़ प्रूव्ड रॉन्ग एट द एंड ऑफ द स्टडी. तो आपकी स्टडी ये बता रही है कि योर थीसिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, तो देन यू विल रिपोर्ट माय थीसिस स्टेटमेंट वाज रॉन्ग, देयर वाज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. तो वो आपको ये कह रहा है कि स्पूरियस रिलेशंस जो हैं उसको जस्ट रूल देम आउट, ठीक है? और फिर वो ये कह रहा है कि रेप्लिकेटिंग अ फाइंडिंग, आपने जो मैंने आपसे कहा कि यू कंडक्टेड अ सर्वे इन गुजरांवाला और अ फोकस ग्रुप इन गुजरांवाला एंड अ फोकस ग्रुप इन पेशावर, एंड जब भी आपने रेप्लिकेट किया, रेप्लिकेशन टेस्ट रीटेस्ट एक्सेट्रा में, यू लर्न इफ यू आर गेटिंग सिमिलर रिजल्ट्स और इफ यू आर गेटिंग डिफरेंट रिजल्ट्स और कॉन्ट्रास्टिंग रिजल्ट्स. तो रेप्लिकेटिंग फाइंडिंग से आपको फौरन पता चल जाता है कि जो आपने पहले रिजल्ट्स निकाले इफ दे आर राइट और रॉन्ग, एंड यू कैन री राइट योर डिसीजंस और फाइंडिंग्स और कंक्लूजंस, ठीक है? और देन नेक्स्ट ही सेज राइवल एक्सप्लेनेशंस. फॉर इंस्टेंस आपको ये लगता है कि जी ये तो लिबरल ग्रुप था, दिस इज हाउ दे आर डिस्कसिंग. तो आप ये कह रहे हैं कि जी माई स्टडी आई वेंट टू यू नो लाइक माई स्टडी मेरी सैम्पल इंक्लूडेड women of certain NGOs or liberal groups. तो जबकि rival explanation तो उससे फ़र्क होगी, right? तो वो ये कह रहा है कि you can actually compare, you look for rival explanations. आपकी findings कुछ और बता रही हैं, and somebody says कि no, my findings show something very different from yours. तो आप rival explanation को recheck करके, being a researcher, it's important कि check out rival explanations and then you go back to your original findings and check के where you made a mistake, ठीक है?
और ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि फीडबैक फ्रॉम इन्फॉर्मेंट्स, अगर आप सेम रिस्पोंडेंट के पास चले गए, फोकस ग्रुप किया था, इंटरव्यूज किए थे बिफोर फाइनली अनाउंसिंग के जी दिस इज माय कंप्लीट रिसर्च पेपर, यू टेक योर स्टडी बैक टू द इन्फॉर्मेंट्स एंड आस्क देम के टू लुक एट इट, और वो आपको बता देंगे कि आपकी स्टडी ठीक है या गलत है. और वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रास्ट और कंपैरिजन ज़रूर कर लें, बिकॉज अगर इफ़ यू कैन मेथड ऑफ डिफरेंसेस कॉन्ट्रास्ट और आप यू कैन कंपेयर योर फाइंडिंग्स. ठीक है, तो अगर जब भी आप अपनी फाइंडिंग्स को कंपेयर करेंगे विद द रिसर्च बाय समबडी एल्स, यू विल लर्न कि आपकी स्टडी स्ट्रांग है या वीक है. ओके, तो जो भी रिसर्च है, ऑल रिसर्चेस, वो ये कह रहे हैं कि उनमें ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कंफर्मेबिलिटी होनी चाहिए, स्टडीज शुड बी रिलायबल एंड डिपेंडेबल, और इंटरनल वैलिडिटी भी होनी चाहिए ताकि आपका टूल स्ट्रांग है, ऑथेंटिक है, क्रेडिबल है, वैलिड है, और एक्सटर्नल वैलिडिटी भी होनी चाहिए विच मीन्स कि इट रिप्रेजेंट्स पब्लिक एट लार्ज. और ट्रांसफरेबिलिटी ओनली मीन्स के फ्रॉम कराची टू लाहौर टू पेशावर योर फाइंडिंग्स वर कंसिस्टेंट. ठीक है, फॉर इंस्टेंट ऑन मैरिटल रेप इशू, आप जहाँ जहाँ गए आपकी फाइंडिंग्स बड़ी कंसिस्टेंट थी, तो मुख्तलिफ जगहों पे जा रहे हैं तो आपका रिप्रेजेंटेटिवनेस की वजह से आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी डिटर्मिन हो रही है. ठीक है, और प्रैग्मेटिक हमने पहले भी किया था कि प्रैग्मेटिक क्राइटेरियन वैलिडिटी, तो यूटिलाइजेशन ऑफ टूल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन है अबाउट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी? नहीं मैम, अभी तो मेरा भी कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक. अफरोज, कोई क्वेश्चन है रिलायबिलिटी के ऊपर, वैलिडिटी पे? मैम ये एक और असाइनमेंट भी है हमारी. हाँ, वो असाइनमेंट मुझे इसलिए मैंने दी कि आप सब लोग प्रपोजल में रिसर्च पेपर लिख रहे थे, तो मैंने आपको रिसर्च पेपर लिखने का मौका दे दिया. और ये जो मेथड आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ के कुछ चीज़ें भी वहाँ पे डाल दी, तो आप कुछ चीज़ें तो दोनों जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, बट देयर यू विल बी एक्चुअली राइटिंग अ पेपर. यहाँ पे आपके पास पेपर राइटिंग की ऑप्शन नहीं है. प्रपोजल को तो हम आज क्लोज कर रहे हैं ना, वी आर क्लोजिंग इट टुडे. रिसर्च प्रपोजल को आज हम क्लोज कर रहे हैं. आई विल सी कि मैं मैक्सिमम टाइम जो आज के दिन में आपको दे सकती हूँ वो मैं आपको दे दूंगी. ठीक है, मैम इसमें प्लीज आपने वो आखिरी हेडिंग के बारे में भी थोड़ा सा बता दें, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस. उसमें रिसर्च प्रपोजल में हम लोग क्या एनालिसिस करेंगे? रिसर्च प्रपोजल में आपने एनालिसिस नहीं करनी बतूल, आपका सबसे पहला क्वेश्चन ही यही था आज के दिन में, राइट? आपका आपने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने आपसे ये कहा था कि आप यहाँ पे मैम इससे नीचे वाली जो हेडिंग है ये था ना, इसके नीचे वाली जो ये डाटा कलेक्शन एनालिसिस एंड डिस्कशन, इसमें क्या करना है? आपको मैंने ये यही तो कह रही हूँ कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही था. जी जी, तो मैंने आपको उस वक्त भी एक्सप्लेन किया था कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आपके, आपको तो दोनों अप्लाई हो रहे हैं ना, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, राइट? सो यू आर सेइंग कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा आर कलेक्टेड फ्रॉम, यू नो, आपने क्वान्टिटेटिव अगर यूज़ किया फ्रॉम सर्वे या यूजिंग सर्वे क्वेश्चनर, तो आप यहाँ लिखेंगी कि आप इन दोनों को इकट्ठा लिखने के बजाय अलग अलग लिखते हैं. आप लिख दें कि क्वान्टिटेटिव डेटा इज कलेक्टेड थ्रू सर्वे क्वेश्चनर एंड क्वालिटेटिव डेटा जो है उसके लिए यू यूज अ फिल्म, ठीक है, या सीरियल. ठीक है, ये आपने डेटा कलेक्ट किया और उसके बाद आपने इसके अंदर आपने लिखा कि ये थोड़ा सा लिखा हुआ है क्वांटिटेटिव के बारे में, थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन किया था
कि आपसे मैंने कहा था कि अगर आप क्वांटिटेटिव की बात कर रही हैं तो आई सजेस्टेड कि लुक एट द टेबल दैट एक्चुअली हैज वेरिएबल्स। आपके गूगल क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में आपको यहाँ पे जब आप इसमें जाती हैं रीडिंग्स में, ठीक है, आप रीडिंग्स में आप यहाँ पे अगर आप ये देखें, आपकी ये जो डिफरेंट रीडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, यहाँ पे आपको एक वेरिएबल्स की भी हेडिंग नज़र आ रही होगी, जो कि हमने हमने काफ़ी पहले डिस्कस किया था टॉपिक, ठीक है। आप ये देख रही हैं मेजरमेंट्स एंड वेरिएबल्स की, इसके अंदर एक टेबल मैंने आप लोगों को दिया हुआ था, ये वाला टेबल। सो इफ़ यू लुक एट दिस टेबल फॉर इंस्टेंस, मैंने आपसे कहा था कि इस टेबल में, टेबल 3.1 मेजरमेंट एंड स्केलिंग, इसमें आपके पास क्राइटेरिया नॉमिनल ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो वेरिएबल्स के नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे ये आपको बता रहा है रेलेवेंट स्टेटिस्टिकल टेस्ट। फॉर इंस्टेंस वो आपको कह रहा है कि नॉमिनल को ये वाला टेस्ट अप्लाई होता है, ये लम्बार्डा टेस्ट, ये X2 जो है दिस इज काई स्क्वेयर टेस्ट, ठीक है। और ये इसी तरह ये बाकी सारे टेस्ट जो हैं, ये हमने चूँकि हमारी इस कोर्स में SPSS बहुत डिटेल में पढ़ने की हमारे पास टाइम नहीं था, बट इट सिंपली टेल्स यू कि अगर आप SPSS यूज़ कर रहे हों तो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच में ये टेस्ट अप्लाई होते हैं। आपको ये इट्स रेशो पे ही इट्स सेइंग टी टेस्ट एंड अनोवा टेस्ट, पियर्सन टी टेस्ट अनोवा टेस्ट इंटरवल वेरिएबल पे अप्लाई हो रहा है, ऑर्डिनल पे ये आपको कह रहा है कि साइन टेस्ट या विटने टेस्ट या स्पीयरमैन पी टेस्ट एक्सेट्रा, राइट। ये टेस्ट तो आप लोगों ने नहीं पढ़े हुए, बट राइट नाउ यहाँ पे आपको यू आर ओनली राइटिंग यू नो लाइक वन और टू लाइंस। तो अगर आप इसको देख रहे हैं तो आप फॉर इंस्टेंस आप ये कह रहे हैं कि जी नॉमिनल में फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि जेंडर जो है वो नॉमिनल वेरिएबल है, मेल फीमेल, राइट। और ये नॉमिनल वेरिएबल है लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेल और फीमेल की रिलेशनशिप और रिस्पॉन्स टू मैरिटल रेप, राइट। आप कह रहे हैं कि मोर मोर मैन दैट देन विमेन थिंक के जी के मैरिटल रेप इज नथिंग, राइट। तो आप यहाँ वाला ये जो टी टेस्ट जो है, टी टेस्ट आप दो डिफरेंट वेरिएबल्स, आपने कहा कि इस एज ग्रुप का मेल और इस एज ग्रुप, एज एंड जेंडर दोनों को आप, दोनों को विद के आपने कहा कि क्वेश्चन ये था कि इज देयर अ थिंग लाइक मैरिटल रेप, ठीक है। और जी वो आपने यहाँ पे डाला हुआ था एग्री डिसएग्री ये वगैरह वगैरह वगैरह, तो आपने कहा कि जी दो, मैंने एज एंड जेंडर अगेंस्ट इज देर अ थिंग विद एज मैरिटल रेप कंपेयर किया, तो आप ये कह रही हैं कि मैंने दो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट या कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स को कंपेयर किया जिसमें दो इधर से लिए थे एक ये लिया था, जब मैंने टेस्ट अप्लाई किया तो आई लर्न कि मोर मैन थिंक के मैरिटल रेप नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे आपसे मैंने सिर्फ इतना कहा था कि यू आर सजेस्टिंग कि जी मैंने काई स्क्वेयर टेस्ट यूज़ किया, काई स्क्वेयर आपको नज़र आ रहा था ऑर्डिनल के यहाँ पे, सॉरी नॉमिनल के नीचे, आप देखिए ये X2 लिखा हुआ है, X2 टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, टी टेस्ट या अनोवा एक्सेट्रा। तो आप यहाँ से कोई ना कोई टेस्ट अगर आपको समझ में आती है तो आप टेस्ट का नाम वहाँ पे लिखें, और अगर टेस्ट का नाम आपको नहीं समझ आ रहा तो जस्ट है कि आई एम यूजिंग स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज टू एनालाइज माई डेटा, ठीक है। तो आपको जितना समझ में आ रहा है वो लिख दें कि आपने डेटा एनालाइज वगैरह किया, और दिस इज ओनली अ स्मॉल पैराग्राफ। तो यहाँ पे आप सिर्फ ये कह रही हैं कि आई यूज SPSS टू एनालाइज माई डेटा और उसके जो रिजल्ट्स हैं यू आर पोस्टिंग इन चैप्टर 4 और 5, जो भी चैप्टर आप एलोकेट कर रही हैं, एलोकेट वन ऑफ द चैप्टर्स टू क्वालिटेटिव स्टडी एंड एलोकेट अनदर टू क्वांटिटेटिव स्टडी, ठीक है। और अब आपको सजेशन मेरी ये है कि क्वालिटेटिव को पहले डाल दें और क्वांटिटेटिव को बाद में डाल दें,
मेक योर चैप्टर फोर है ना, मेक श्योर कि चैप्टर फोर इज योर क्वालिटेटिव स्टडी बेस्ड, और चैप्टर फाइव में यू आर रिपोर्टिंग रिजल्ट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव स्टडी. ठीक है, तो ये एक पैराग्राफ ही लिखना है. ट्राई राइटिंग योर पैराग्राफ. डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस में यू आर ओनली सेइंग हाउ यू एनालाइज्ड योर डेटा. ठीक है मैम जी. वो रिसर्च पेपर जो 25% वाला, उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन अगर आप कर ले तो. मैं अभी बिल्कुल करती हूँ. ये इस पे कोई क्वेश्चन आपका रह गया है यहाँ पे? मैं आपको सिर्फ ये छोटी सी दो तीन पॉइंट्स थे कि यहाँ पे कि आपकी स्टडी, आपने वैलिडिटी का मकसद ये है कि योर स्टडी इज कंसिस्टेंट एंड रिलायबल. ठीक है, सो बेसिकली आपको मैं ये रिलायबिलिटी के हेड में सिर्फ दो तीन चीज़ें, ये आप ये पेज देख रहे हैं यहाँ पे कुछ मेथड्स लिखे हुए हैं, हाउ यू प्रूव योर स्टडीज रिलायबल. ठीक है, वो आपको कह रहा है टेस्ट रीटेस्ट मेथड, विच मीन्स आई कंडक्टेड दिस टेस्ट इन 2015 एंड द फाइंडिंग्स वर दिस. आई reconducted the study in 2020 or somebody else conducted it. ठीक है, टेस्ट रीटेस्ट. आपने गुजरांवाला, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुख्तलिफ जगहों पर टेस्ट रीटेस्ट, टेस्ट रीटेस्ट. सो यू आर सेइंग कि एवरी टाइम आई कंडक्टेड दिस स्टडी द फाइंडिंग्स वर सिमिलर. तो टेस्ट रीटेस्ट से भी पता चल जाता है योर स्टडी इज रिलायबल. ये लिखा हुआ है स्प्लिट हाफ मैथड. एनी आइडिया बतूल कि ये क्या है स्प्लिट हाफ? नहीं मैम. स्प्लिट हाफ का मतलब ये होता है कि जो आपका सैंपल था उसमें से आपने हाफ सैंपल तो रिटेन किया प्रीवियस वन, और हाफ सैंपल चेंज कर दिया विद द न्यू वन, विच मीन्स कि आपके प्रीवियस सैंपल में इफ दे वर 20 पीपल तो यू आर रिटेनिंग 10 एंड यू आर चेंजिंग 10 विद 10 न्यू पीपल, राइट? तो विच मीन्स के पहले 20 का जो रिजल्ट था वो न्यू 20 के रिजल्ट से अगर सेम है तो योर स्टडी इज रिलायबल बिकॉज यू चेंज हाफ ऑफ योर सैंपल. ठीक है, तो यू आर सेइंग कि जी मैंने तो सैंपल में चेंजेस करके भी देख ली. आई एडिड न्यू पीपल टू माय सैंपल एंड आई रिमूव्ड हाफ ऑफ द सैंपल एंड आई हैड हाफ न्यू सैंपल, और स्प्लिट हाफ से डिटरमिन हो गया कि माय स्टडी इज रिलायबल. और वो ये कह रहा है कि आपने ऑड और इवन में से कर लिया, या तो आपने ग्रुप्स को चेंज कर दिया और या फिर क्वेश्चंस में कुछ इस तरह से किया कि जी मैंने ये क्वेश्चन यूज किए इधर और ये क्वेश्चन यूज किए उधर. ठीक है, और इंटर आइटम मतलब आपके क्वेश्चनर में 17 क्वेश्चंस हैं आपने मुझे बताया. ठीक है, तो आपने दो वेरिएबल्स, इसका मतलब ये है कि दोनों क्वेश्चन दो अलग अलग वेरिएबल्स के बारे में थे ना, इंटर आइटम टेस्ट और या फिर आइटम स्केल टेस्ट. आप लोगों को शायद वो क्वेश्चनर याद ना हो जो मैंने आपको दिखाया था. SPSS के दो क्वेश्चनर्स दिखाए थे, किसी को याद है? अहमद नबी मैम टॉपिक नहीं याद है, लेकिन ये याद है दो वो जरूर थे क्वेश्चनर्स. मैंने आपको ये दिखाया था, यहाँ पे देखें स्केल ए, स्केल बी, स्केल सी, स्केल डी. जी मैम, स्केल्स डिफरेंट स्केल्स थे इधर. ठीक है, तो मैंने आपसे ये कहा था कि ये एक बड़ा स्मार्ट क्वेश्चनर है क्योंकि व्हाट दिस पर्सन हैज़ डन कि उसने बजाय ये कि 100 समथिंग क्वेश्चंस बनाने के, ये देखें स्केल एच में देयर आर 18 क्वेश्चंस. ठीक है, 18 क्वेश्चंस, और उसने बजाहिर ये एक ही नज़र आ रहा है लेकिन दीज आर एक्चुअली 18 क्वेश्चंस, जहाँ पे अगर आपका रिस्पांस स्ट्रांगली एग्री या स्ट्रांगली, वो कह रहा है कि strongly disagree is 1 and strongly agree is 5, and if you're saying for instance you write here 3, right, so you probably mean neutral. If you write here 6,
You probably mean I almost agree, but I don't strongly agree, right? ये बीच में न्यूट्रल होगा ना, जी मैम, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री और यहाँ तक न्यूट्रल, मिडल में तो डेफिनेटली न्यूट्रल अग्री होगा, ठीक है जी मैम। सो बेसिकली आप उसको यहाँ पे वो कह रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी आइटम आइटम टेस्ट का मतलब ये है कि नंबर टू एंड नंबर थ्री यू कंडक्टेड अ टेस्ट बिटवीन आइटम नंबर टू एंड आइटम नंबर थ्री, और आइटम स्केल टेस्ट का मतलब ये है कि आपने नंबर वन को अगेंस्ट ऑल चेक कर लिया, अगेंस्ट 18 चेक कर लिया, क्योंकि स्केल स्केल में देर आर 18 क्वेश्चंस। तो आप ये देख रहे थे कि यहाँ पे वी हैड अ नंबर ऑफ डिफरेंट स्केल्स, राइट? तो बेसिकली वो आपसे सिर्फ यही कह रहा है कि आप इंटर आइटम टेस्ट यानी दो आपने कंडक्ट कर लिया या आइटम स्केल टेस्ट कंडक्ट कर लिया, तो उसकी ऑप्शंस होंगी, सो दैट आल्सो डिटरमिन्स के आपका ये इफ देयर इज कोरिलेशन बिटवीन आइटम्स, और या फिर आपने किसी और तरीके से किसी और अल्टरनेट मेथड को यूज कर लिया टू डिटरमिन रिलायबिलिटी। जी अब बोलें क्या कह रहे थे जी। मैम वो एक असाइनमेंट तो पोस्ट हुई भी है क्लासरूम में, मैं उसका नाम आपको बता देता हूँ। मैं बिल्कुल मुझे मालूम है वो मैम वो है जी मैम वो रिसर्च पेपर की एक असाइनमेंट पोस्ट हुई हुई है ना। यस मैम जी मैम तो ये यार ये बाकी सारे किधर हो यार आप लोग। मैम इस पे हमने आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि हमारे पास बहुत ज्यादा काम है इस हफ्ते में करने के लिए, हम लोगों से मैनेज ही नहीं हो रहा, हम लोगों ने वो आइडिया भी रिसर्च आइडिया भी देना है, स्क्रिप्ट देना है फिल्म का, तो आप प्लीज वो मैं अभी आती हूँ उसके ऊपर। दूसरा एक चीज मैम, हमने प्रपोजल लिखने के लिए इतना सारा टाइम लिया, तो एक्चुअल पेपर लिखने के लिए तो हाफ टाइम चाहिए होगा, बहुत ज्यादा चाहिए। अहमद नबी अभी उस पे आती हूँ मैं, राइट? लेट्स फिनिश। जी 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 ठीक है मैम, पार्ट आई विल गो टू इट, ठीक है? उस पे मैंने वो खोला है, जी मैम जी ठीक है, आई विल गो टू इट, राइट? बतूल आपने जो क्वेश्चनियर बनाया था जी जी मैम जी, उसके शुरू में आपने डाला एक कवर लेटर। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, which is nicely written cover letter. मैंने आपको बताया था कि जब आप क्वेश्चनर बनाते हैं तो उसके साथ आप एक इंस्ट्रक्शंस भी लिखते हैं, तो जी मैम अगर आप चाहें तो वहां पे इंस्ट्रक्शंस ऐड कर सकती हैं, और अगर चाहें तो यू कैन लीव इट फॉर नाउ, ठीक ओके। अब एक छोटा सा भी हमारे पास कितना टाइम है अहमद नबी, हमारे पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो मैं क्विकली फिर ये आपका रिसर्च एथिक्स को हम जरा क्विकली देख लें, एंड देन आई गो टू व्हाट यू आर आस्किंग। जी मैम राइट। अच्छा एथिक्स का सिंपली हमारे पास टाइम होता तो हम इसको जरा डिटेल में जा सकते थे, लेकिन हमारे पास टाइम थोड़ा कम है और वी हैव टू फिनिश टू कवर सर्टन टॉपिक्स, राइट? ओके, मेरा ख्याल है कि आपने आज खुद भी मेंशन कर दिया 2-3 दफा कि इट विल बी एथिकल और अनएथिकल एक्सेट्रा, ऐसे ही है कुछ चीजें ऐसे ही मैम आप लोगों ने मेंशन कर दी। ऑल राइट, उसमें अभी पीछे हमें नजर आ रहा था कि आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते, कंटेमिनेट नहीं कर सकते your findings and results etc because you want to prove your point, right? मैम अपना influence भी नहीं, अपना influential भी नहीं हो सकते ना अपने research पे, influence नहीं कर सकते आप, you cannot lead the discussion in a focus group in a certain direction, right? You cannot influence your respondents in any manner whatsoever, right? You can't demand के आपका रिस्पॉन्डेंट जो है वो अपने आप को लिबरल एंड ट्रेंडी शो करने की कोशिश करे, यू कांट टेक योर
यू कांट इंक्लूड ऑल पीपल फ्रॉम रिलीजियस ग्रुप्स राइट. अगर आपका क्वेश्चन इज अबाउट फॉर इंस्टेंस जो अभी औरत मार्च का एक मोटो बन गया था उस पर आप स्टडी करें, यू कांट हैव ऑल रिस्पोंडेंट्स ऑफ वन टाइप और ऑल इन्फॉर्मेंट्स ऑफ वन टाइप एक्सेट्रा. ठीक है, सो वो बेसिकली वो ये कह रहा है. और फिर दूसरी बात ये है कि फॉर इंस्टेंस अब ये टीवी प्रोडक्शन नहीं है राइट. आप जो है एक रेप के ऊपर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते फॉर इंस्टेंस राइट. पहली बात तो ये है कि आपको शायद कोई लोग ही ना मिलते जो कि आपके जिसको आप अपने कैरेक्टर के तौर पे यूज कर सकें. रीएनेक्ट करवा लेते जिनसे. हाँ, तो वो आप डॉक्यूमेंट्री जो है वो उस रीएनेक्ट केस में जा रहे होते. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि ये तो रिसर्च है जो इवन आपका जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें यू कैन नॉट डू दिस के आप अपने जिसका आप जिसके बारे में डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं उसको आप ट्रॉमा से दोबारा गुजारें, चाहे वो फ्लड्स रिलेटेड हो या अर्थक्वेक का हो या रेप विक्टिम हो या कोई और क्रिमिनल हो या क्रिमिनल ना हो समबडी हु फेस्ड अ क्राइसिस एक्सेट्रा राइट. तो वो रिसर्च में भी वो आप कह रहे हैं कि आप ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर सकते कि आपका रिस्पोंडेंट जवाब ही नहीं देना चाह रहा और यू आर यूजिंग बिकॉज यू आर द रिसर्चर यू कांट यूज योर मिस यूज द पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ योर पोजिशन. ठीक है, सो आप ऐसी यू शुड नॉट डू एनी थिंग दैट हर्ट्स हेल्थ और ऑफ योर रिस्पोंडेंट या कम्युनिटी इन एनी मैनर. तो वो आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप मैल प्रैक्टिस नहीं कर सकते. यू कांट बिकॉज यू वांट टू रिपोर्ट सर्टेन टाइप ऑफ रिजल्ट्स या मैनिपुलेट रिसर्च नहीं कर सकते बिकॉज दैट इज नोन एज मैल प्रैक्टिस राइट. तो वो ये कह रहा है कि रिसर्च के स्टैंडर्ड्स या प्रैक्टिस प्रिंसिपल्स, पहले तो मैंने आपसे कहा था कि रिसर्च का प्रोसेस जो है इट स्टार्टेड ओवर 200 ईयर्स अगो. सो कोई स्टैंडर्ड्स या प्रिंसिपल्स लिखे भी नहीं थे. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पीपल लर्नड के इट रिक्वायर्स स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल. और फाइंडिंग्स जो हैं वो आप को आपने अब्यूज नहीं करना राइट. सो बेसिकली दे आर सेइंग के जी आपको गाइडलाइंस जो हैं वो रिसर्चर्स के लिए ज़रूरी हैं, प्रोफेशनल एथिक्स रिसर्चर्स के लिए ज़रूरी हैं. और जिसमें रिसर्चर एक तो प्रोफेशनल एथिक्स और उसके बाद रिसर्चर रिस्पोंडेंट रिलेशनशिप के रिस्पोंडेंट्स के साथ आपने किस तरह बिहेवियर करना और फिर रिसर्चर रिसर्चर रिलेशनशिप और फिर समटाइम्स ख़ासतौर पर एक्सपेरिमेंट्स के केस में आप एनिमल्स को रिसर्च में डाल देते हैं. फॉर इंस्टेंस आप कोई प्रोडक्ट या मेडिसिन रिसर्च ही कर रहे थे. ठीक है, तो ही सेइंग कि आप एनिमल्स के रिसर्चर एनिमल रिलेशनशिप के भी रूल्स हैं. नंबर वन, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यू शुड रिपोर्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स. ठीक है, एक्यूरेसी इन डेटा गैदरिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग. तो आपको वो कह रहे हैं कि प्लान कलेक्ट एंड प्रोसेस डेटा बाय एम्प्लॉइंग हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स और क्वांटिटेटिव इन पर्टिकुलर बहुत सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव प्रोसीजर रिक्वायर करता है. तो वो ये कह रहे हैं कि आपने एक्सेप्टेड एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने और रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसने कहा कि रेलिवेंट मेथड यूज़ करना है, अप्रोप्रिएट इंटरप्रटेशन ऑफ डेटा करनी है, डेटा के आपने इनअप्रोप्रिएट इंटरप्रटेशन आप नहीं कर सकते और एक्यूरेसी इन रिपोर्टिंग और उसके बाद फैब्रिकेट नहीं कर सकते कि आपने एक्चुअली डेटा कलेक्ट ही नहीं किया बट यू आर सेइंग कि 15% सेड यस टू सच एंड सच क्वेश्चन राइट. तो फैब्रिकेशन नहीं हो सकती, फालसिफिकेशन इज ऑल्सो मिसकंडक्ट. तो वो आपसे सिंपली ये कह रहा है कि रिसर्चर्स शुड एब्सटेन फ्रॉम फालसिफाइंग डेटा और चेंजिंग वर्ड्स के आपने क्योंकि वर्ड्स में जो मीनिंग होते हैं अगर आपने रिस्पोंडेंट के वर्ड्स चेंज कर दिए तो मीनिंग विल ऑल्सो चेंज. तो वो ये कह रहा है कि डू नॉट फालसीफाई डेटा.
रिसर्चर रिस्पोंडेंट रिलेशनशिप। आपने रिस्पोंडेंट को बताना है कि मैं कौन हूँ। यू हैव टू प्रॉपरली आइडेंटिफाई योर सेल्फ। रिस्पोंडेंट की आइडेंटिफिकेशन को नहीं कह रहा, बिकॉज रिस्पोंडेंट शुड बी एनोनिमस इन मैनी केसेस, राइट। हमने बार बार ये कही है कि हम सर्वे क्वेश्चनर में नाम का हमें वो डालने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्स योर नेम, वी डोंट नीड दैट क्वेश्चन। सो बट रिसर्चर हैज़ टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, रिस्पोंडेंट डज नॉट नीड टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ। और फिर वो ये कह रहा है कि क्लियर आउटसाइड, रिसर्चर्स शुड इन्फॉर्म द रिस्पोंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चंस। जो आपने कवर लेटर लिखा उसमें आप लिख रहे हैं कि ये क्वेश्चंस मैरिटल रेप पे हैं, यू आर टेलिंग देम कि ये सेंसिटिव क्वेश्चंस हैं, यू मे फील स्ट्रेस्ड व्हाइल रिस्पोंडिंग टू दिस क्वेश्चंस। सो यू लीव इट टू द रिस्पोंडेंट के इफ ही इज अनकंफर्टेबल और शी इज अनकंफर्टेबल अबाउट सर्टन क्वेश्चन, she may not want to respond to that question. For instance, ek question tha ki have you experienced marital rape. I think ki bahut sare cases mein people may feel uncomfortable responding to that question. To agar koi usko jawab nahi dena cha raha to aapko wahan pe phir you will get missing value, a respondent did not respond to that question. और या फिर आपने उस क्वेश्चन को इनडायरेक्टली पूछ लिया, डू यू नो एनीवन हु हैज़ एक्सपीरियंस मैरिटल रेप, तो आप देखें ना कि पहले क्वेश्चन में स्ट्रेस ज़्यादा था, दूसरा इज लेस स्ट्रेसफुल। सो बेसिकली आपको वेलफेयर ऑफ रिस्पोंडेंट को जहन में रखते हुए रिस्पोंडेंट को एम्बेरसमेंट, गिल्ट, डिसकम्फर्ट वगैरह से बचाना है। और आपने रिस्पोंडेंट को कोई ऐसे क्वेश्चन भी नहीं पूछने कि रिस्पोंडेंट हैज़ नर्वस ब्रेकडाउन बाय द टाइम, यू नो सम पीपल आर वेरी सेंसिटिव, तो वो दे मे बी वेरी अनकंफर्टेबल एंड दे मे बी अनकंफर्टेबल फॉर डेज एंड डेज आफ्टर रिस्पोंडिंग टू अ सर्टेन क्वेश्चन। तो आपको फिर ये ध्यान रखना है कि वेलफेयर ऑफ द रिस्पोंडेंट इज समथिंग दैट यू कैन नॉट इग्नोर व्हाइल जो आपने इंस्ट्रूमेंट है उसको जब आपने यूज़ किया, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ द वेलफेयर ऑफ द रिस्पोंडेंट। और फ्री एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, आपने उसकी कंसेंट से उसको एडमिनिस्टर करना है टूल को। यू कांट से कि नो 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 यू हैव टू आंसर दिस, यू हैव टू फिल दिस सर्वे। जिसने नहीं करना उसको आप फोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपसे वो ये कह रहा है कि राइट टू प्राइवेसी, आपने रिस्पोंडेंट का नाम नहीं पूछना ताकि उसकी प्राइवेसी रहे। राइट टू एनोनिमिटी, अगर वो एनोनिमस रहना चाहता है आप फोकस ग्रुप में या बाकी चीज़ों में, कुछ केसेस में इंटरव्यूज में तो रिस्पोंडेंट आपके सामने होता है, तो आपने उसको एनोनिमस रखना है व्हेन यू आर रिपोर्टिंग योर फाइंडिंग्स एंड रिजल्ट्स। और कॉन्फिडेंशियलिटी, तो वो ये कह रहा था एक्चुअली कि पास्ट में पीपल वर, जब आपके ये एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए थे तो पीपल कुड से कि ओ आई हैव टू रिपोर्ट दिस थिंग टू पुलिस और डिफरेंट डिपार्टमेंट बिकॉज इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ पॉपुलेशन एट लार्ज। तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते बिकॉज आपको रिसर्च एथिक्स अलाउ नहीं करते, तो आपने लार्जर इंटरेस्ट जो है उसके बजाय आपके रिसर्च एथिक्स आपको फॉलो करने, ठीक है। फिर रिसर्चर रिसर्चर रिलेशनशिप में आपने ऐसी कोई चीज़ें नहीं लिखनी विच आर मिसलीडिंग और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी ऑफ रोल या प्लैजरिज्म। सो बेसिकली वो आपको सिंपली यही कह रहा है कि आपने फॉर इंस्टेंस लॉट्स ऑफ टाइम्स पीपल आर रिफरिंग टू लिटरेचर रिव्यू और उसमें पीपल फिल इमेजिनरी पेज नंबर्स एक्सेट्रा, तो और या फिर कि या ऑथर एग्जिस्ट ही नहीं करता, आपने उसका नाम मेंशन कर दिया कि अली सो एंड सो सेज दिस अबाउट मैरिटल रेप इन पाकिस्तान। तो वो ये कह रहा है कि आप ये नहीं कर सकते, यू कैन नॉट गिव अ लिस्ट ऑफ ऑथर्स। एक ऑप्शन होती है पर्सनल कम्युनिकेशन की, तो यू कैन नॉट गिव अ नेम जिससे आपने पर्सनली कम्युनिकेट ही नहीं किया, राइट। तो बेसिकली वो आपसे ये कह रहा है कि आप जो हैं डोंट मिस यूज़ योर अथॉरिटी
डोंट गिव रॉन्ग ऑथरशिप एक्सेट्रा और प्लेजराइज ना करें काम. और जो एनिमल्स हैं उनके केसेस में वो ये कह रहा है कि अगर एनिमल्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो यू शुड प्रॉपरली मेंटेन देम, और आपके पास अच्छी रीज़न होनी चाहिए वाई यू आर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन एनिमल्स, और आपने एनिमल को ज़बरदस्ती स्ट्रेस नहीं देना, ना उसको ज़बरदस्ती उसको पेन टेस्ट करना है कि भाई ये कितना गर्म पानी बर्दाश्त कर सकता है, आपने उस पर गर्म पानी फेंक दिया, राइट. सो यू वो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट स्ट्रेस और पेन और इंजर द एनिमल इन एनी मैनर. ठीक है, बाद घूम फिर के बात वहीं आ जाती है कि आपकी स्टडी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए.